अंबेडकर को अगर आप कभी उनके धर्म संबंधी विचार पढ़ें महात्मा गांधी की तुलना में अंबेडकर ने बड़ी एक तार्किक बात है अम्बेडकर तार्किक बात करते हैं वो जन नेता नहीं है लालू प्रसाद जी की तरह की जनता पागल हो जाएगी पढ़े लिखे आदमी है डबल पी की हुई है और संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे मेंबर थे तो बड़ी तार्किक बात करते हैं तथ्यों की बात करते हैं उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म हो रही ऐसा महात्मा गांधी को जाति व्यवस्था से दिक्कत थी नहीं महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के समर्थक थे और ठीक ठाक समर्थक थे उनको दिक्कत केवल अस्पृश्यता से थी अनटचिलिटी अगर अस्पृश्यता नहीं है तो चीजें ठीक है उनका ऐसा मानना था और कहीं कहीं तो ऐसी बदल के चले गए हैं कि घबराहट होती है सोचे कि राष्ट्रपिता ने कहा है तो अपनी एक पुस्तक हिंदू धर्म में वो लेके गए हैं कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक है जितना न्यूटन के नियम है राष्ट्रपिता ने लिखा है न्यूटन के नियम की तरह वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नैसर्गिक नित्य और अनिवार्य व्यवस्था है अब अंबेडकर सुन रहे हैं उनको तो कैसा लग रहा होगा सोचिए किसी ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी ये बताओ देखिए सारा डिबेट का मूल बिंदु क्या है अंबेडकर कह रहे हैं कि एक बच्चा गलती से किसी ऐसे घर में पैदा हुआ जिसकी जाति नीची है एक बच्चा तुक्के से किसी ऊंची जाति कही जाने वाले परिवार में ब्राह्मण एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हो गया इस एक तुक्के की वजह से उनकी पूरी जिंदगी डिफाइन हो रही है ये कितनी शर्मिंदगी की बात है लॉजिकली बात समझ में भी आती है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए पर गांधी जी का एंटीना वहां तक जाता है का यहाँ रहता है इसलिए बुद्ध के फॉलोअर हुए क्योंकि बुद्ध का एंटीना भी यहां था। वहां नहीं था वहां से एक आज सिग्नल आता था बस बाकी सारे सिग्नल यही थे गांधी जी वेदांत परंपरा के आदमी सारा सिग्नल आता है गांधी जी कह रहे अम्बेडकर बाबू ये तो ठीक है कि एक बच्चा यहां पैदा हुआ एक वहां पैदा हुआ असली सवाल है कि ये बच्चा यहां क्यों पैदा हुआ असली सवाल ये है और ये संयोग से नहीं हुआ है डिजाइन से हुआ है यह ईश्वर का डिजाइन है ईश्वर ने अपनी योजना के तहत इस बच्चे को बड़ा ही परिवार में ही भेजा है और इसको लोहार परिवार में भेजा है अंबेडकर ने पहले सिर पीटा जोर जोर से अपने छह बार फिर वापस आए खून सुखा के फिर यह बताओ कि अगर कोई बच्चा माने जी भंगी परिवार में पैदा हो गया उसको पढ़ने लिखने का हक नहीं है गुस्से में है अंबेडकर अरे ऐसी बात हो नहीं रही है मैं ड्रामेटिक तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा भंगी परिवार में पैदा हो गया क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है गांधी जी करे क्यों नहीं है एकदम है उसे खूब पढ़ना चाहिए आराम से बी एम ए बी एस सी एमएससी जो पढ़ना है पीएचडी करना करे लेकिन उसके बाद भी व्यवसाय वही करना होगा ये राष्ट्रपिता कह रहे हैं बस अम्बेडकर एक सवाल पूछना भूल गए कि गांधी जी आप वैश्य परिवार से हैं और वकालत कर रहे हैं और स्वाधीनता आंदोलन कौन सा व्यवसाय है किस जाति के लोग करेंगे कौन सी गीता में लिखा ये बताओ जरा उन्होंने पूछा नहीं उन्होंने बताया नहीं लेकिन आपके मन में तो आ गया ना गांधी जी कमजोर चिंतक हैं तार्किक कम है सेंटिमेंटल टाइप के ज्यादा है इमोशनल है मजाक नहीं करूँ गांधी जी चिंतक के तौर पर बहुत धार वाले आदमी नहीं है कमजोर आदमी है जो गीता माता में लिखा है वही उनका चिंतन है थोड़ा बहुत यहाँ वहां से मिला ले लिया बाकी गीता उनका केंद्रीय स्तर है अम्बेडकर ने इतनी गहरी बात कही इस मामले में उसने कहा कि देखिए जाति व्यवस्था खत्म करना चाह रहे गांधी जी भी गांधी जी भी करना चाह रहे थे कि ये अस्पृश्यता खत्म हो हर जाति को बराबर सम्मान मिलना चाहिए ये सब कहते थे अम्बेडकर ने कहा कैसे होगा ये बताओ ना बोले अम्बेडकर हृदय परिवर्तन से हुआ एचपी से हुआ गांधी जी का हर काम हृदय परिवर्तन से ही होता था अम्बेडकर ने कहा बापू ये समझो कि आप जैसा आदमी हजार साल में एक बार पैदा होता होगा भारत में आपकी इतनी अच्छी पकड़ है समाज पर पूरा समाज पूजा करता है आपकी और आप तो करवा नहीं परिवर्तन तो हम हजार साल तक वेट करें फिर कोई बाबू पैदा होंगे हृदय परिवर्तन करवाने के लिए मतलब तो हमारा काम केवल इंतजार करना है और चोट खाते रहना है कि कोई आएगा हृदय परिवर्तन करवाएगा इनका तो इनसे पूछा कि आपकी राय है तो वेट करने का देखिए थोड़ा सा गहराई में समझे बातों को जाति व्यवस्था अपने आप में इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है जाति व्यवस्था के मूल्य और एटीट्यूड्स धर्म का हिस्सा है धर्म हर बच्चा बचपन से सीखता है और धर्म सीखते सीखते अवचेतन स्तर पर वो जातिवादी हो जाता है बिना धर्म को ठीक किए आप जाति व्यवस्था को ठीक कर ही नहीं सकते और धर्म सुधार का एक ही मतलब है कि हिंदू धर्म के सारी पुस्तकें मिला के एक पुस्तक बने जिसमें कोई ऐसी बकवास ना लिखी हो जो महिलाओं या शूद्रों के विरुद्ध हो और उस पुस्तक के अलावा किसी पुस्तक को स्वीकार करना अपराध होना चाहिए एक पुस्तक हो जैसे हर धर्म की होती है एक पुस्तक हो हिंदू लोग ही बनाए उसको लेकिन उसमें ऐसी कोई बात मेंशन ना करें जो किसी समुदाय के विरुद्ध है उसकी आदत पड़े परिवारों को तब जाके एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड बनेगा वरना घर घर में बच्चा सीखता है डिस्क्रिमिनेशन और आप हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं कैसे होगा इससे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक भेदभाव के जो एटीट्यूड्स हैं वो हम बचपन से ही सीख लेते हैं और उनको सिखाने में ठीक ठाक भूमिका धर्म की भी होती है तो आप रेफरेंस के तौर पर धर्म है परिवार है वही तो सब है धर्म परिवार समाज और कहाँ से बच्चा सीखेगा उन सबसे सीखता है और बड़ा होते होते वो पहले ही बहुत छोटा हो चुका होता है